कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन बीवी बनकर सुमोना चक्रवर्ती ने खूब शोहरत कमाई। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक बार फिर सुमोना चक्रवर्ती लाइमलाइट में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर सुमोना ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने सफेद बाल प्लांट करती दिखाई दे रही हैं। साथ ही सुमोना कहती हैं कि उन्हें कई बार अपने सफेद बाल छिपाने के लिए बालों को कलर करने के लिए कहा जाता है, जबकि पुरुषों के सफेद बाल होने पर उन्हें हॉट बताया जाता है। तस्वीरों के साथ सुमोना ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। वो कहती हैं, कोई ना कोई महिला अक्सर मुझसे कहती है कि मुझे अपने सफेद बालों को कलर करना चाहिए और उसे कवर करना चाहिए। वो कहती हैं, ये दिख रहा है। मजेदार बात है कि मेरा हर पुरुष दोस्त मेरे सफेद बालों की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं इसमें सुंदर दिखती हूँ। महिलाओं के साथ ऐसा क्यों है कि उम्र बढ़ने को समाज स्वीकार नहीं कर सकता? एक तरफ तो आदमी सफेद बालों में बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी तारीफ की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक्टर हैं और हमें फैशन और समाज में जो हो रहा है उसकी लगातार जानकारी रखने की जरूरत है। सुमोना ने 20 साल की उम्र में फ्लैट स्क्रीन कहे जाने का भी खुलासा किया। वो कहती हैं, मैं 20 साल की उम्र में छड़ी जितना पतली हुआ करती थी। इसे फ्लैट स्क्रीन कहा जाता था क्योंकि मैं फ्लैट थी। अब 35 की उम्र में शरीर बहुत अलग है। हार्मोन उथल पुथल और एंड्रोमेट्रियोसिस की वजह से मैं थोड़ी कर्वी हो गई हूँ। गौरतलब है कि कपिल शर्मा शो में कपिल कभी सुमोना के चेहरे का तो कभी उनके होंठों का खूब मजाक उड़ाते थे, जो एक्ट्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक वेबसाइट के साथ बातचीत में सुमोना ने कहा था कि जब कपिल शर्मा उनके होठों को लेकर मजाक उड़ाते थे तो उन्हें बुरा लगता था। उन्होंने कहा था, शो के शुरुआती दौर में मुझे काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। मेरे होठों और चेहरे का मजाक बनाया जाता था। पहले एपिसोड से ही ये चीज शुरू हो गई थी। पहली बार में ये जोक काम नहीं किया क्योंकि लोगों को इस जोक में कोई खास मजा नहीं आया। अगले कुछ एपिसोड में मेरे होठों का फिर से मजाक बनाया गया। इस बार ये जोक चल गया और फिर चलता ही गया। इसके बाद हर गेस्ट के सामने उनके मुंह और होंठों का मजाक उड़ा। अर्चना पूरन सिंह ने मुझसे एक दिन मेरी उदासी की वजह पूछी। मैंने कहा कि वो मेरे होंठ और चेहरे का मजाक बनाते हैं। मैं लाइन नहीं बोलती, लेकिन कपिल भूल जाता है। बाद में लाइन भूलने के बाद वो ऑफ स्क्रिप्ट कुछ कह देता है जो मुझे बुरा लगता है। मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ कि तुरंत जोक बना दूंगी। हो सकता है कि लोगों को मेरा जोक समझ ही ना आए। जिसके बाद अर्चना ने सुमोना को समझाते हुए कहा था कि जब तुम खुद अपने जोक्स पर हंसने लगोगी तो तुम्हें बुरा लगना बंद हो जाएगा। और जहां तक बात तुम्हारे होंठों की है, ऐसे होंठ पाने के लिए महिलाओं को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अर्चना की सलाह से सुमोना को काफी सीखने को मिला। उनसे काफी लोगों ने कहा कि आप ऐसे शो का हिस्सा क्यों बनती हैं जहां लोगों का मजाक बनाया जाता है, जहां महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणियों का इस्तेमाल किया जाता है। स्थिति ऐसी थी कि मुझे रेड लिपस्टिक लगाने तक में डर लगने लगा था। हालांकि समय के साथ बातें समझ आने लगी। आप अपने सफेद बालों को छुपाते हैं, प्लांट करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।